कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन है। वहीं यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल और एनएसयूआई सोशल मीडिया के नेशनल चेयरमैन आदित्य भगत मौजूद रहे। यात्रा के दौरान आदित्य भगत ने राहुल गांधी से चर्चा करते हुए भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के लिए अग्रिम बधाई दी और उन्हें भारत यात्री बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही आदित्य भगत ने कहा कि अब समय आ गया है कि हर एक युवक को अपने सम्मान के लिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर आना होगा, वरना उनके जीवन का जो हक है वो नहीं मिल पाएगा। आज सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का लगातार 11वां दिन था और इसी दौरान मुझे राहुल गांधी जी के साथ आज चलने का मौका मिला और उनसे बात करके मुझे इस बात का तो पूरा विश्वास हो गया कि आने वाले समय में युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए अगर कुछ सोच रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी सोच रहे हैं। आज तमाम लोगों के मन में जो बात है अगर उसे कोई एक पटल पर ला करके बोल रहा है तो वो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं।